हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे बेटे का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए आज एग्ज़ाम है, तो हम आज उससे मिलने के लिए जा रहे हैं और उसको हमने बताया नहीं है, ये उसके लिए सरप्राइज़ है। तो चलिए देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। लिफ्ट में कूड़े को देख के वैष्णवी भी ऐसे कर रही है कि उसको कूड़े में ही शायद जाना पड़े। ये नोएडा का अम्बेडकर पार्क है और ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर बताते हैं। हम अंदर तो कभी नहीं गए, बाहर से हमने भी देखा और आप भी देखिए। और ये हम लोग शंकर विहार कैंट एरिया पहुँच गए हैं और यहाँ पे इन्होंने ये रोजेज लिए हैं, लिए वैष्णवी के लिए लेकिन इन्होंने हमें दे दिए हैं। देखिए हम वेलकम टू शंकर विहार और ये वैष्णवी को देना है प्रिंस को रोजेज उसकी शुभकामनाओं के लिए, उसके एग्ज़ाम अच्छे गए हों उस लिए। और ये आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये बहुत ही सुंदर स्कूल है और बहुत ही बड़ा है। हम लोग पहुँचे तब तक एग्ज़ाम छूट गया था और जबकि ये कह रहे थे कि 12:30 बजे छूटेगा लेकिन उसमें एंट्री करने का टाइमिंग थी और एग्ज़ाम कितने टाइम शुरू होएगा या कितने टाइम बच्चे निकलेंगे उसकी कोई टाइमिंग नहीं दे रखी थी। देखिए ये हम लोग पहुंच गए हैं और ये देखो प्रिंस मिल गया। हेलो मी, हेलो ना, जो पास पास लगा ना उसके लगा दिया। हाँ, लाइन तो आगे लगी है। काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था बट ये जो बच्चे हैं ये सुखोई एकेडमी के हैं वॉरियर्स और सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। और ये देखो सब जाने लगे हैं क्योंकि इनको जाना है एकेडमी, प्रिंस को भी जाना है उनके साथ क्योंकि मैं इसको लेके आऊँगी 22 को क्योंकि इसका 24 को एग्ज़ाम है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे उसके लिए कुछ स्नैक्स लिए हैं प्रिंस के लिए, चलिए उसको दे देते हैं स्नैक्स क्योंकि वो अब जाने वाली है उसकी बस जल्दी। और ये पहुँच गया उसके पापा देने के लिए चले गए और ये दे के उसको आ गए, ये इधर ही बैठा है बस में, देखिए इधर ये। सुबह जल्दी जल्दी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। कोई बहुत बड़ी एकेडमी है, कोई नहीं कर सकते ना, कितने सौ बच्चे। चलो चलो चलो, पता नहीं कान्हा जी है ये, हमें लग रहा। तुम्हें क्या खाना है? बिरयानी। उसने एक ही चीज पकड़ ली, बिरयानी खानी है। कल पापा ने वो मैंने कल पापा से बोला था कल रात को ही। ठीक है बेटा, कल मैं तेरा खिला के दूंगा। बहुत टेस्टी का खाऊंगी, कुछ खाया हमने। चलो ठीक है, बोला तो उसके इतने टेस्टी होते, बहुत टेस्टी। चलो देखो ले चलो, खाएगी बिरयानी। देखो अभी ये बोल रही है अगर इसने नहीं खाई कैमरे में तो देखना इसकी क्या हालत है। ठीक है प्रिंस पापा, भैया एक प्लेट लगा।
उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने छोले भटूरे खाए। छोले भटूरे उतने टेस्टी नहीं थे क्योंकि ये जो बता रहे थे वो वाली शॉप खुली नहीं थी, तो हमने एक दूसरी जगह पे खाए, तो हमने थोड़ा ही थोड़ा खाया। उसके बाद में हम लोग निकल लिए। क्या हुआ? क्या वो है चाइनीज है? चाइनीज खाना नहीं है। कहते हैं ना खाना हमेशा अपने घर से खा के चलना चाहिए। जिस दिन आप खाना खा के नहीं निकलते ना, उस दिन कहीं भी आप अच्छे से खाना नहीं खा सकते। देखिए पहले भी छोले भटूरे जो बताए वो भी नहीं मिले, और उसके बाद में खाना भी हम लोगों ने ऐसा पैक करवाया। और उसके बाद में हम लोगों ने शाम के टाइम पे कौन से राइस हैं बताओ बाबा, आप बताओ। बटर चिकन एग राइस। सुबह से अभी तक का जो सबसे टेस्टी फूड था वो यही था। हम लोगों ने यही खाया मन से, और बाकी तो सब ऐसे ही खाते रहे। हम लोगों ने ये खाने के बाद में थोड़ी देर के लिए अपने मकान पे भी गए थे, और उसके बाद में मकान पे कम से कम 1 से 2 घंटे लग गए थे हम लोगों को। कह रहे थे कि हम पूरी हर प्लेट वो खा जाएंगे बिरयानी। वापस आते आते हम लोगों को रात हो गई थी। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम आ चुके हैं इतने लंबे सफर के बाद। गुड नाइट। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।